अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास एक सोनी टीवी 14 इंच का बनने के लिए आया और इसकी हालत ये है कि देखें, ये सोनी टीवी 15 इंच का है, इसमें डिस्प्ले आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही। वीडियो बहुत गौर से देखने पर पीछे बदहम सी आ रही है। 14 इंच का ये टीवी है और इसका मैंने खोल लिया है। इसका सर्किट ये है, सर्किट यहाँ से इसका ब्रेक था, ये किसी ने पहले काम किया हुआ जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो फॉल्ट वो मैंने बताया कि पिक्चर नहीं आई। इसका मॉडल नंबर इसका ये है, सोनी केवी PG14M72 इसका मॉडल नंबर है। और अब इसको मैंने बड़े गौर से, मतलब बहुत से, मतलब टाइम आपका ज़ाया ना हो तो मैंने फॉल्ट निकाल लिया था इसका, तो मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। इसकी ABL में भी फॉल्ट पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये मसला आ जाता है कि डिस्प्ले आ रही होती है और डिस्प्ले नहीं आ रही होती, डिस्प्ले का जो नंबर है वो आ रहा होता है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही होती है। ये ABL फट पड़ जाता है और ABL इसका यहाँ ये जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है इनको चेक करना पड़ता है, इनमें से रेजिस्टर में से 220 के एक रेजिस्टेंस है वो बदली करनी पड़ती है तो वो आ जाती है। लेकिन इसमें ये फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल वोल्ट वगैरह हर चीज़ परफेक्ट बन रहे हैं, सब कुछ है, ये क्लियर है। यहाँ मैंने सब रेजिस्टेंस वगैरह इसमें तकरीबन सब चेक कर लिए हैं, सही है। अब ब्लिंकिंग इसमें आती है एक और वजह से कि वर्टिकल ख़राब हो, रोटी ख़राब हो या फिर इस ये ट्रांसफर लगा एक लगा हुआ ट्रांसफर, इसको ओपन कर देते हैं तब भी आ जाती है, वर्टिकल भी हल हो जाती है और मसले बहुत से हल हो जाते हैं। लेकिन इसको ओपन किया हुआ मैंने लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ। ये IC इसकी ये है IC551, अगर इसको तब्दील करें तो हो सकता है ब्लिंकिंग निकल जाए, लेकिन हम ना भी तब्दील करें तो ये फॉल्ट कैसे निकालें? इसका फॉल्ट का तरीका है, क्यों नहीं, इसका फॉल्ट का तरीका ये है कि अगर IC ना भी बदली करें बस पूरी आ रही है तो हम इसकी ब्लिंकिंग काट दें, इसकी ब्लिंकिंग को काट दें। ब्लिंकिंग को कहाँ से काटेंगे, अब ये देखेंगे ब्लिंकिंग हमारी आ कहाँ से रही है। तो ये देखें, ये बारीक बारीक तार जा रही है, ये ABL सेट के, ये ABL सेट के ली जा रही है, यहाँ के कैपेसिटर आगे उन्होंने ग्रहण किया इसमें द्वारा, ये बारीक तार बाहर जा रही है यहाँ से, इसी सीधी ये आ गई यहाँ से और यहाँ से आगे इस वर्टिकल में घुस गई। तो हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ से सर्किट पहले टूटा हुआ है, तो मैं इसी से यहीं से कट करूँगा इंशाल्लाह, तो ये तस्वीर आ जाएगी, उम्मीद है कि तस्वीर आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको कट करते हैं, ये मैंने कट कर दिया बिल्कुल आपके सामने ही है, और इसकी तस्वीर देखते हैं कि तस्वीर आ रही है कि नहीं आ रही है। देखें तस्वीर बिल्कुल ओके आ गई, 100% अच्छी तस्वीर आ गई है। शीशे में भी हमें शीशा कर लेते हैं, तो देखें शीशे में तस्वीर आ रही है, सही है। अब मैं इसको जैसे ही मैं शार्ट करूँगा चिमटी से, देखें ये मैंने शार्ट किया और वो तस्वीर चली जाती है। ये देखें ये गई, जैसे ही ये शार्ट किया मैंने, अभी हटाऊँगा तो तस्वीर आ जाएगी। तो ये फॉल्ट पड़ता है कि ब्लिंकिंग को आप यहाँ से भी काट सकते हैं, वरना फिर ये जो जा रही है, ये जो वायर लगाई हुई है इसको डिस्कनेक्ट कर दें, इसको ओपन कर दें, बाहर निकाल दें, तब भी ये पिक्चर आपकी आ जाएगी और ये मसला हल हो जाएगा, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। आइए मैं आपको ऊपर से इसकी IC भी दिखा देता हूँ कि मैन जंगल वगैरह इसमें कौन सी लगी हुई है। वर्टिकल भी इसमें ये लगी हुई है वर्टिकल, इसकी इसको बंदी करेगा तो शायद फॉल्ट निकल जाए, अगर ना भी निकले तो ज़रूरी नहीं है वर्टिकल बंदी करें। इसमें आई जंगल हमारी ये लगी हुई है TDA 8844 जंगल लगी हुई है, देख लें ये ऊपर से इसका सर्किट है। तो काफ़ी पुराना मॉडल लेकिन ये कामयाब मॉडल है, चलने वाले मॉडल हैं, अच्छे मॉडल हैं, इसका ये पूरा सर्किट है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जहाँ चाहता हूँ, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।